अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद ताहर अहमद। तो ये हम एक रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बना रहे हैं इस तरह का। तो यहां तक हम पहुंचे हैं। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जनाब हमने ये प्रोमो वन के डिव्स तो बना दिए हैं, लेकिन इनको क्लासें नहीं दी। तो सिर्फ प्रोमो अंडरस्कोर कंटेनर को ये क्लास दी हुई है, लेकिन अंदर क्लासें दी नहीं, सिर्फ कमेंट्स लिख दिए हैं ये वाले। सबसे पहले तो हम इन्हें क्लासें देंगे। तो क्लास लिखते हैं इज इक्वल टू, तो इसके अंदर लिखा जाएगा प्रोमो स्पेस वन, और नीचे भी ये कंटेंट क्लास स्टार्स लिख दिया है, लेकिन क्लास डी नहीं है। इज इक्वल टू, और यहाँ पे लिखा जाएगा इसका नाम कंटेंट, और कंट्रोल एस टू सेव। और बिल्कुल यही चीज़ जो है ये नीचे वाले डिव में भी बनाई जाएगी, सिर्फ वन की बजाय टू कर लेंगे। तो इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे ये प्रोमो वन एंड हो रहा है, तो ये प्रोमो टू स्टार्स है। ये देखें, कंटेंट क्लास एंड्स प्रोमो टू स्टार्स, ये है। इसको भी बिल्कुल वैसी ही क्लास देनी पड़ेगी। क्लास इज इक्वल टू यहाँ पे प्रोमो स्पेस और टू, और ये भी बिल्कुल वैसे ही है कंटेंट क्लास, इसको भी वैसे ही। क्लास इज इक्वल टू कंटेंट, और बिल्कुल इस तरह नीचे आएंगे, ये प्रोमो टू एंड्स हो गया, और ये प्रोमो थ्री, इसको भी हमने क्लास नहीं दी। क्लास इज इक्वल टू प्रोमो स्पेस डाल के थ्री कर देंगे, और बिल्कुल इसी तरह ही ये हमने कंटेंट को दे दिया, ये प्रोमो को देनी चाहिए थी। इसको कंट्रोल एक्स करते हैं, और यहाँ पे कंट्रोल वी करते हैं, और ये कंटेंट को भी इसी तरह ही क्लास देनी पड़ेगी, वही कंटेंट, कंट्रोल एस टू सेव। तो दोस्तों, अब हमने ये क्लासे दे दी हैं प्रोमो थ्री की, कंटेंट की इसी तरह ही ऊपर आते हैं, ये प्रोमो टू की, कंटेंट की, और इसी तरह ये प्रोमो वन की और कंटेंट की। और अब यहाँ पे हम अपना स्टाइल डॉट सी एस एस में आएंगे, और यहाँ पे हम इन्हें स्टाइलाइज करना शुरू करें। तो सबसे पहले हम डॉट प्रोमो के अंदर जो एच थ्री है उसको कॉल करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये तीनों विजिटर ब्लॉग, रीड द आर्टिकल, रीड टू आर्टिकल, ये सब एच थ्री में है, और ये प्रोमो क्लास के अंदर है। तो इसका फॉन्ट साइज हम डिफाइन करेंगे 1.1 em, और इसको कुछ मार्जिन भी देंगे 0। कंट्रोल एस टू सेव। और अब यहाँ पे आते हैं, और आप ये देखें कि इनके ऊपर क्या इफेक्ट होता है। रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखें, ये थोड़ा सा ऊपर चला गया इनका, ये फॉन्ट साइज 1.1 em करने से और मार्जिन 0 देने से। और अब यहाँ पे नीचे आते हैं, और प्रोमो के अंदर जो पी है, ये जो पी है, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये वाला और ये वाला, ये सब पी टैग में लिखा हुआ। वापस आते हैं, और ये आपको यहाँ इंडेक्स में भी दिखा देते हैं कि ये जो टैक्स है, ये वाला सारा, ये देखें, ये पी टैग के अंदर है। तो अब जो प्रोमो के अंदर पी है उसको हम कॉल कर लेते हैं, पी टैक्स को। सबसे पहले उसकी लाइन हाइट दे देते हैं, क्योंकि लाइन हाइट में उसकी, ये देखें, ये उसकी लाइन हाइट जो है, ये कोई सही एडजस्टिंग नहीं है। तो उसकी लाइन हाइट हम दे देते हैं 1.2 em, इस तरह ही इसका फॉन्ट साइज जो है 0.9, सॉरी सेमीकॉलम em, और इसको थोड़ा सा मार्जिन बॉटम 0.5 em, कंट्रोल एस टू सेव। और अब यहां पे आके इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखें, अब ये फॉन्ट जो है वो थोड़ा सा गुड लुकिंग हो गया।
तो दोस्तों वापस आते हैं और यहाँ पे आप प्रोमो क्लास को हम कॉल करेंगे। यहाँ पे डॉट प्रोमो और उसको हम बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट की प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि उसकी बैकग्राउंड जो है वो रिपीट ना हो। यहाँ पे ये फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब इमेजेस लगाएंगे तो फिर इस पर वो फिक्स हो जाएंगे और वो रिपीट नहीं होंगे, क्योंकि प्रोमो के अंदर इमेजेस भी आनी है। तो इसलिए ये दी है कि बैकग्राउंड रिपीट नो स्लैश रिपीट। तो अब हम सबसे पहले प्रोमो वन को कॉल करते हैं, डॉट प्रोमो डॉट वन। तो अब जैसे कि मैंने कहा था कि हमने इमेजेस लगानी है इसके अंदर, बैकग्राउंड स्लैश इमेज यूएल फ्रेंथिस क्लोज, और सबसे पहले तो हम इमेजेस लिखेंगे क्योंकि फोल्डर नेम है। फिर यहाँ पे जाएंगे और इमेज देखेंगे, पहले देखेंगे ऊपर वाला प्रोमो कौन सा हमारा वेब डिजाइनिंग सर्विसेज का। फिर यहाँ पे देखते हैं कि ये तीन प्रोमो इमेजेस है, ये है, ये है और ये है। ये HTML CSS है, ये दे देते हैं इसको वेब डिजाइनिंग को है, तो ये HTML की, लेकिन चलें प्रोमो स्लैश वन डॉट JPG, प्रोमो स्लैश वन डॉट JPG। यहाँ पे आते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखें ये इमेज आ गई। ये टेक्स्ट इसके ऊपर ओवरलैपिंग कर रहा है, लेकिन इसका मसला नहीं है, इसको हम स्टाइलाइज करेंगे। ये टेक्स्ट वैसे भी साथ लगा हुआ, थोड़ा इसको मार्जिन लेफ्ट भी देना है ताकि ये थोड़ा हटके नजर आए। दोस्तों बिल्कुल इसी तरह ही हम प्रोमो टू जो है वो कॉल करेंगे और फिर प्रोमो थ्री कॉल करेंगे और सिर्फ ये तस्वीरों के नाम बदलेंगे। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ वक्त की बचत के लिए, यहाँ पे आ जाते हैं और कंट्रोल वी कर देते हैं, फिर मैं एंटर करता हूँ और फिर एक दफ़ा कंट्रोल वी कर देता हूँ। तो इस वन को जस्ट टू कर देना और यहाँ पे इमेज का नाम जो है वो बदल देना। तो एक थी तो दो डार JPG JPG होगी, देख लेते हैं, इसको थ्री कर देना और इसका जो नाम है वो थ्री कर देना। तो यहाँ पे इसी एक्सटेंशन देख लेते हैं, प्रोमो टू PNG है ये, और प्रोमो थ्री ये भी PNG है, तो इसको हमने PNG करना, PNG नाम बाकी यही है, प्रोमो स्लैश वन प्रोमो स्लैश टू थ्री। अब यहाँ पे आते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखें ये बाकी की दो इमेजेस भी आ गई हैं। टेक्स्ट जरूर ओवरलैपिंग हो रहा है, लेकिन वो हम स्टाइलाइज करेंगे। दोस्तों इस तरीके से हमने ये तीनों इमेजेस जो हैं वो ले आए हैं। तो अब हम अपने नेविगेशन को, नेव बार को हम कॉल करेंगे और उसको थोड़ा सा स्टाइलाइज करेंगे।